कौन बनेगा जीनियस? खेल के नियम पता है, दो दो लाइफ लाइन है, एक लाइफ लाइन ऑप्शन लेने की, दूसरी लाइफ लाइन बाहर जाकर पूछने की। और यदि आप कोई भी लाइफ लाइन नहीं लेते तो एक लाइफ लाइन का आधा अंक बोनस का मिलता है। तो खेल शुरू करते हैं। पांच पांच प्रश्न दोनों टीम से आए, ए टीम और बी टीम से। तो ए टीम से जो पहला प्रश्न मेरे हाथ में है, और वो प्रश्न है कीर्ति यादव की ओर से टीम ए के लिए। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? हिंट के लिए समझ लीजिए कि उसका नाम सुल्तान, सुल्तानों में नाम होता है। देखिए हमारे देश में जो मुस्लिम शासन हुआ वो सुल्तान और मुगल, तो वो शासक सुल्तान था, और उसके पीछे नालंदा जो विश्वविद्यालय कहते हैं कि उसी ने जलवाया था, और जो मंगोल थे उनसे भी उसने, भारत से मंगोल आक्रमण को उसने रक्षा की। लेकिन अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो उस सुल्तान का नाम आपको बताना है। नाम आपको याद होंगे शुरू से, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलवन, और उसके बाद फिर तो आपको बताना उस शासक का नाम जिसके शासनकाल में अमीर खुसरो दरबारी कवि के रूप में थे। बताइए आपका जवाब है, रजिया सुल्तान के समय में अमीर खुसरो था। कंप्यूटर महाशन के जवाब को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशन आपके जवाब को जांचा परखा समझा, और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। टीम बी के लिए प्रश्न, और ये प्रश्न भेजा है सनी राजपूत के द्वारा। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन चार साल में एक बार आता है, चार साल में, अब आप समझ सकते हैं चार साल में एक बार आने का कारण क्या होगा, कोई बता सकता है? क्योंकि उनका जन्म 29 फरवरी को हुआ होगा, और 29 फरवरी यानी लीफ वर्ष साल में एक बार आता है, जिस सन में चार का भाग चला जाता है वो वर्ष लीफ वर्ष होती है, और उस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। तो आपको बताना किस प्रधानमंत्री का जन्म चार वर्ष में एक बार मनाया जाता है। हाँ, मोरारजी देसाई। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को लॉक किया, जांचा परखा समझा, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। टीम ए के लिए प्रश्न, नाम नहीं है किसके द्वारा भेजा गया, वंदना, और प्रश्न है कि किस देश को हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है, हजारों, हाँ प्रश्न को ठीक से नहीं लिखा, हजारों झीलों की भूमि, वेरी गुड। तो कौन सा देश है जिसमें हजारों झीलें पाई जाती हैं? हाँ बताइए, चलिए हाथ उठाइए, किस देश को हजारों, हाँ चलिए बताइए, फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। कंप्यूटर महाशय आपके जवाब को जांचा परखा समझा, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। टीम बी के लिए प्रश्न, और ये प्रश्न भेजा है हिमांशी यादव की ओर से, और प्रश्न ये है कि वाशिंग मशीन की खोज किसने की थी, बताइए, वाशिंग मशीन की खोज, जी बताइए, एल्वा फिशर, और आपका भी जवाब बिल्कुल सही है। एक अंक दिया जाए बी टीम को। टीम ए के लिए प्रश्न, ये प्रश्न अभी वो चल रहे हैं जो आपके द्वारा भेजे गए, उसके बाद प्रश्न वो होंगे जो मेरे द्वारा भेजे हुए हैं। एलपीजी गैस में, सूबी के द्वारा भेजा हुआ प्रश्न, एलपीजी गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? हाँ चलिए बताइए, ब्यूटेन गैस की मात्रा एलपीजी में, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और उसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आपको कमेंट करना है, बताना है कि कौन सा गैस उसमें मिलाई जाती है जिससे उसमें महक आ जाती है, तीक्ष्ण बदबू आ जाती है, जिससे कि दूर से ही पता चल जाता है गैस लीक हो रही है। इस प्रश्न को आपको बताना है, और चलिए टीम एक अंक दिया जाए टीम को, जवाब सही है ब्यूटेन गैस। अब टीम बी के लिए प्रश्न, आपके लिए प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? टीम बी, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपने बताया 24 जनवरी, आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए संविधान दिवस। आपने अभी जवाब बदला 19 नवंबर, समय भी पूरा हुआ, प्रश्न जवाब को लॉक किया गया। कंप्यूटर महाशय जवाब को जांचा परखा समझा, पहले आपने कहा कि 24 जनवरी उसके बाद 19 नवंबर को लॉक किया गया, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। आप कुछ हद तक उस सही तक पहुंचे थे। हमारे संविधान का जो बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक 0 अंक दिया जाए टीम बी के लिए। और अब प्रश्न टीम ए के लिए, टीम ए के लिए प्रश्न है कि किस देश के लोग सबसे ज़्यादा एसी का इस्तेमाल करते हैं? टीम ए,
एसी का इस्तेमाल करते हैं। किसने भेजा ये जानकारी नहीं है। देखिए अब तो एसी का प्रयोग लगभग सभी देश के लोग ज़्यादा करते हैं और एसी से सीएफसी गैस निकलती है जो ओजोन परत में छेद कर रही है। लेकिन हाँ आपका प्रश्न वाजिब प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा पहले मान लीजिए कि एसी का प्रयोग किस देश में होता था। टीम ए के लिए जवाब प्रश्न और समय शुरू होता है। अब नाम नहीं लिखा है। करोड़ा, करोड़ा के द्वारा भेजा गया प्रश्न। प्रश्न ये गलत है। ये टीम ए, अमेरिका, अमेरिका को लॉक किया जाए। और इसके प्रति मैं पूरी तरह ये नहीं कह सकता हूँ ये जवाब बिल्कुल सही है, फिर भी आपके जवाब को सही किया जाता है क्योंकि अमेरिका तकनीकी प्रधान देश रहा है और सबसे ज़्यादा तकनीकी का प्रयोग भी करता है। तो इस तरह आपके जवाब को सही किया जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग एसी का अमेरिका करती है। टीम बी के लिए प्रश्न, और ये प्रश्न भेजा है, भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है। प्रश्न है टीम बी के लिए, केरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है। टीम बी, देखिए वो धातु ऐसी है कि हवा के संपर्क में आने के बाद स्वतः ही जल जाती है, आग लग जाती है। अगर उसको हम हवा में लाएंगे तो वैसे ही वो जल जाएगी, तो केरोसिन में उसको रखा जाता है। वो कौन सी धातु है जिसको केरोसिन में रखा जाता है, और वो धातु ऐसी है कि साबुन की तरह होती है, उसे हम चाकू से काट भी सकते हैं। तो आपको बताना है कि केरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है जो अति ज्वलनशील और कम तापमान पे स्वतः जल जाती, तो सामान्य तापमान पर वह बस धातु जलने लगती। तो आपको बताना, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ बताइए, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को केरोसिन में रखा जाता। तो आपको बता दें आपका जवाब को लॉक किया गया, जांचा परखा गया, समझा गया कंप्यूटर मासन का बिल्कुल गलत है। एल्युमिनियम एक हल्की धातु है जिससे हम हवाई जहाज बनाते हैं, हवाई जहाज बनाने में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग होता है। तो उसे कौन सा केरोसिन में रखा जाता है, अगर वो स्वतः जल जाएगी तो वायुवान भी जल जाएगा। वो उस धातु का नाम है सोडियम, सोडियम धातु जो हवा में आने पर स्वतः जल जाती है, इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। जीरो अंक दीजिए टीम बी। टीम ए का ये प्रश्न, और आज लगता है टीम ए का भाग अच्छा है, चमक रहा है। दो दिन से टीम ए जीत रही है, तो लगता है कि इस टीम ए। केचुआ में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है। हाँ बताइए, त्वचा के द्वारा। लॉक किया गया, जांचा गया, परखा गया, समझा गया, आपका जवाब बिल्कुल सही। केचुआ जो है अपनी स्किन के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। और टीम बी के लिए अंतिम प्रश्न जो आपके द्वारा भेजे गए हैं, आप नाम नहीं लिखते, नाम लिखा गया पीछे लिखते हैं। वंदना के द्वारा यह प्रश्न भेजा गया, सफ़ेद स्वर्ण, सफ़ेद स्वर्ण जिसको हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं, ध्यान से सुनिए, कौन सी धातु है जिसे हम लोग सफ़ेद स्वर्ण या व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। सफ़ेद सोना, व्हाइट गोल्ड, कौन सी धातु है। आप लाइफ लाइन ले सकते हैं। तो आपने दिया डायमंड, डायमंड को सफ़ेद सोना कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल लॉक किया गया, जवाब बिल्कुल गलत है। सफ़ेद सोना प्लेटेनियम, प्लेटिनम जो धातु होती है उसको हम लोग सफ़ेद सोना, व्हाइट गोल्ड कहते हैं, सफ़ेद स्वर्ण। और अब ये आपके द्वारा भेजे हुए प्रश्न समाप्त हुए, अब प्रश्न मेरे द्वारा पूछे जाएंगे। टीम ए के लिए प्रश्न, और प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। राम किसी काम को 8 दिन में करता है, राम किसी काम को 8 दिन में काम करता है, आधा काम करने में उसे कितना समय लगेगा। आपका जवाब है 4 दिन, 4 दिन को लॉक किया जाए। चलिए जवाब आपका बिल्कुल सही है, किसी भी काम करने में और 8 दिन लगते तो आधा काम 4 दिन में समाप्त होगा। प्रश्न काफी सरल था। टीम बी के लिए प्रश्न, जीवन का विपरीत, जीवन का विलोम क्या होगा, जीवन का विलोम। हाँ चलिए, जीवन का विपरीत मृत्यु, तो मृत्यु को लॉक किया जाए। कंप्यूटर मासन आपके जवाब को जांचा परखा समझा, और आपका जवाब बिल्कुल सही। टीम ए के लिए सवाल, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विपरीत का विलोम, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मीन्स होता है बड़ा। जैसे घर में जो बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई की पत्नी के लिए वो कौन, क्या होता है, गांव में क्या कहते हैं, जेठ, जेठ का अर्थ वो ज्येष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा। तो छोटे का अर्थ क्या होता है, छोटा। यार दो टीचर हैं, एक सीनियर एक जूनियर, तो सीनियर को ज्येष्ठ कहते हैं, तो छोटे को क्या कहेंगे। चलिए बताइए, देवर, इन्होंने ज्येष्ठ का विपरीत बताया देवर। तो अगर किसी विद्यालय में कोई टीचर, दो टीचर हैं, एक सीनियर एक जूनियर, सीनियर टीचर ज्येष्ठ हो गया तो छोटा वाला क्या देवर हो गया। ज्येष्ठ का विपरीत हुआ कनिष्ठ, कनिष्ठ मीन्स उससे छोटा, ज्येष्ठ मीन्स उससे बड़ा। अब टीम
जीरो दीजिए टीम ए को। टीम बी के लिए सवाल, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? कई बार पढ़ाया गया, मैंने पहले भी कहा है कि गांधी जी के बारे में 1915 से लेके या 2 अक्टूबर 1869 से लेके जब जन्म हुआ मृत्यु तक का उनका पूरा तिथियां याद कर लीजिए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे जिनके कहने पर या जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था? गांधी जी के राजनीतिक गुरु ये बताइए। ऑप्शन वाली लाइफलाइन चाहिए टीम बी को, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए दादा भाई नरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे? दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। दादा भाई नरोजी, आपके जवाब को लॉक किया जाए। कंप्यूटर माध्यम आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। देखिए दादा भाई नरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के ही कहने पर उन्होंने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। बाल गंगाधर तिलक थे नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे नहीं, याद रखिए भविष्य के लिए गोपाल कृष्ण गोखले। और 1915 में उन्हीं के कहने पर दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। टीम ए के लिए सवाल, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? टीम ए के लिए सवाल, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए ये विद्रोह कौन सा विद्रोह 1947 से पहले 1857 से लेकर इस दौरान बहुत सारे विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ। अभी इससे पहले एक दिन और इस बात पर चर्चा हुई थी, इस बात पर मोपला शब्द पे चर्चा हुई थी। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था, भारत के किस स्थान पर हुआ था? तो टीम ए ने भी बी को देखते हुए ऑप्शन वाली लाइफलाइन मांगी है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ध्यान से सुनिए, मध्य प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, असम। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, असम। चलिए बताइए, मध्य प्रदेश। लॉक कर दिया मध्य प्रदेश को। कंप्यूटर महाशय आपके जवाब को जांचा, परखा और समझा। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। देखिए अभी दो दिन पहले मैंने पूछा था कि मोपला जनजाति कहाँ है, कहाँ रहती, तो जहाँ रहेगी वहीं तो विद्रोह होगा। और मैंने बताया था मोपला जनजाति केरल में रहती है, तो मोपला विद्रोह भी केरल में ही हुआ था। और आपको इस गलत जवाब के लिए 0 अंक दिया जाता है। टीम ए, टीम बी के लिए अगला प्रश्न। टीम बी के लिए प्रश्न, टीम बी के लिए प्रश्न है कि समुद्र का पानी, जितनी भी नदियां हैं सारा पानी अपना समुद्र में ले जाती हैं, फिर भी समुद्र का जल स्तर क्यों नहीं बढ़ता? प्रश्न को समझिए, जितनी भी नदियां हैं वो सब समुद्र में गिरती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता नहीं है, पानी उतना ही रहता है, क्या कारण है? टीम बी के लिए प्रश्न। हाँ बताइए, खारा होता है उसका पानी, इसलिए उसका जल स्तर नहीं बढ़ता। अगर खारा ना हो तो बढ़ जाएगा, जैसे एक गिलास में पानी मीठा है तो क्या अपने आप बढ़ जाएगा? और खारा है तो क्यों नहीं, उसका क्या अर्थ है कि नदियां अपना पानी प्रतिदिन बहुत सारा पानी उसमें ले जाके छोड़ती हैं, फिर भी समुद्र का जल स्तर बढ़ता नहीं है, उतना का ही उतना रहता है। तो आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए कि उसका पानी खारा है इसलिए। लॉक किया गया। कंप्यूटर महाशय आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा। सीधी सी बात है, आपने जवाब को गलत बताया है। पानी इसलिए नहीं उसका बढ़ता है कि जितना पानी नदियां उसमें ले जाके छोड़ती हैं उतना पानी समुद्र का भाप बनके उड़ जाता है, बाष्पीकरण के कारण उसका जल स्तर नहीं बढ़ता। इस बात के लिए 0 अंक दिया जाए टीम बी को। और टीम ए के लिए प्रश्न, एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदा गया और 240 रुपए में बेचा गया, कितने प्रतिशत लाभ हुआ?
200 रुपये में खरीदा गया और 240 रुपये में बेचा गया, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? चलिए बताइए, 40% लाभ हुआ। 200 रुपये की खरीदी गई और 240 रुपये में बेची गई, तो 40% लाभ हुआ। लॉक किया जाए जवाब को। कंप्यूटर मास्टर आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। 200 रुपये की वस्तु खरीदी गई, 240 में बेची गई, लाभ कितना हुआ? 40 रुपये का, ना कि 40% का। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 200 रुपये पर 40 रुपये का लाभ होता है तो 100 रुपये पर कितने रुपये का लाभ होगा? 20 रुपये का। तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 20% लाभ। गणित का एक साधारण सा प्रश्न और जो टीम ए के द्वारा गलत किया गया। टीम बी के लिए अगला प्रश्न, काजीरंगा नेशनल पार्क, भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? हिंट के लिए मैं बता दूं, काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडे बहुत पाए जाते हैं। आपको बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्थान पर है भारत में, किस प्रदेश में? गैंडे, गैंडे राइनोसोरस। चलिए बताइए, केरल, केरल में है काजीरंगा पार्क। अभी मैंने कहा मोपला विद्रोह, तो आपने बताया मध्य प्रदेश, तब नहीं केरल बताया, और काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए आप केरल बता रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क मैंने अभी हिंट दी थी कि उसमें गैंडे बहुत पाए जाते हैं, और केरल में गैंडे नहीं पाए जाते, केरल में हाथी पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, इसका सही जवाब है असम, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, और टीम बी को इस बात के लिए 0 दिया जाता है। टीम ए के लिए प्रश्न, जिस जो वस्तु खाने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं? जो वस्तु खाने योग्य ना हो, जैसे ईंट, कंकड़ पत्थर, ये खाने योग्य नहीं है, तो जो वस्तु खाने योग्य नहीं है उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जो वस्तु खाने योग्य नहीं है। आपका समय शुरू होता है, आप लाइफ लाइन ले सकते हैं। जो वस्तु खाने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, दूषित। दूषित को लॉक किया जाए? दूषित को लॉक किया गया। आपके जवाब को जांचा गया, परखा गया, समझा गया और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। खाने, जो वस्तु खाने योग्य नहीं है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अखाद्य, और जो खाने योग्य है उसको बोलते हैं खाद्य वस्तुएं, और जो खाने योग्य नहीं उसको बोलते हैं अखाद्य वस्तुएं। चलिए टीम बी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस, कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है? आप चाहे तो ऑप्शन की लाइफ लाइन आपकी खत्म हो चुकी है, आप बाहर जाकर पूछ सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, चलिए फसलों की जनजाति। देखिए कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को नहीं, जो कठिन प्रश्न है, चूँकि प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने पूछ लिया, तो आपका जवाब जांचा गया, परखा गया, समझा गया, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में भविष्य के लिए याद रखिए, सबसे ज़्यादा संख्या में जो जनजाति रहती है उसका नाम है थारू। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिसकी जनजाति वो है थारू जनजाति, मनुष्यों की जाति, जैसे यादव, दीक्षित, ऐसे थारू जनजाति का नाम है। टीम ए के लिए प्रश्न, टीम ए के लिए प्रश्न है कि एटना एक ज्वालामुखी का नाम है, एटना, एटना, तो आपको ये बताना है कि वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है, सक्रिय है, सुषुप्त है कि शांत है, ये बताना आपको कि किस प्रकार का ज्वालामुखी है एटना। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान सुनिए। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें हमेशा लावा निकलता रहता है, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी जिसमें क्या होता है कभी कभी लावा निकलता है, कभी कभी अचानक लावा निकलने लगता है, और एक होता शांत ज्वालामुखी जिसमें कभी ज्वालामुखी कभी फटाता निकला तो लावा, अब उसमें लावा नहीं निकलता, यानी कि डेड, मृत ज्वालामुखी भी जिसको हम लोग एक तरह से बोल देते हैं। तो आपको बताना है कि एटना जो ज्वालामुखी है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है। चलिए बताइए, हाँ चलिए, सुप्त ज्वालामुखी लॉक किया गया। सुप्त ज्वालामुखी कंप्यूटर मास्टर जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। एटना सक्रिय ज्वालामुखी है, एटना एवं स्ट्रामबोली ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सुप्त ज्वालामुखी में विसुवियस और फ्यूजीयामा आते हैं। और टीम बी के लिए प्रश्न, टीम बी के लिए प्रश्न आपको बताना है कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट वो किस हिमालय पर्वत की किस श्रेणी में आता है? माउंट एवरेस्ट
हिमाद्री में आता है, मध्य हिमालय में आता है कि शिवालिक में आता है? और आपका समय शुरू होता है अब। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी मध्य हिमालय में आता है, हिमाद्री में आता है कि शिवालिक श्रेणी में आता है माउंट एवरेस्ट? और आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को लॉक किया जाए। और आप सवाल जवाब जांचा गया, परखा गया, समझा गया, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। माउंट एवरेस्ट हिमाद्री में आता है, सबसे पहली श्रेणी, देखिए सबसे पीछे ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमाद्री, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो हिमाद्री में ही, हिमाद्री जो हिमालय है वो ऊंचा है, उसके उससे कम ऊंचा मध्य हिमालय, उससे कम ऊंचा शिवालिक। तो माउंट एवरेस्ट जो है 8848 मीटर ऊंचाई है जिसकी, जिस पर तेंजिंग और एडमंड हिलेरी जिन्होंने इस पर चढ़ाई की थी सबसे पहले। तो माउंट एवरेस्ट है हिमाद्री श्रेणी में। और अब टीम ए के लिए प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक, वर्क को हम किस में मापते हैं? आप लोग प्रतिदिन परीक्षाएं देते हैं, कभी विद्या ज्ञान, कभी कई प्रकार की परीक्षाएं देते हैं। कार्य का मात्रक क्या है, कार्य को किस में मापते हैं? और आपका समय शुरू होता है अब। वर्क, कार्य को किस, कार्य का मात्रक क्या है बताइए? कार्य का मात्रक वर्ग मीटर। आपके जवाब को लॉक किया जाए, जवाब को लॉक किया गया, जांचा गया, परखा गया, समझा गया, जवाब आपका निहायत ही बेवकूफी भरा और बिल्कुल गलत है। मीटर में दूरी नापी जाती है, कार्य का मात्रक जूल है। अब टीम बी के लिए प्रश्न, आपको बताना है टीम बी के लिए प्रश्न, डिसलेक्सिया, ध्यान से सुनिए, डिसलेक्सिया एक बीमारी है, डिसलेक्सिया एक बीमारी है, ये बच्चों में पाई जाती है। तो ये इस बीमारी का संबंध किससे है? डिसलेक्सिया का संबंध, बच्चों में बीमारी होती है, इसका संबंध किससे है? ये किस प्रकार का विकार है बच्चों में? हाँ, डिसलेक्सिया का संबंध किस विकार से है? पोलिया। ये क्या होता है, पोलियो होता कि पोलिया? अच्छा, गांव में पोलिया बोलते हैं। चलिए, पोलिया को कंप्यूटर भाषा ने लॉक किया, जांचा, प्रकाश, समझा, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। डिसलेक्सिया समझ लिए क्या होता है? डिसलेक्सिया क्या होता है? ये पढ़ने लिखने संबंधित विकार है, इसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। तारे जमीन पर एक फिल्म है, उसमें बच्चा इसी बीमारी से ग्रसित है, डिसलेक्सिया। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने, अच्छा समझने में समस्या होती है। टीम ए के लिए प्रश्न, जीरो अंक दिया जाए टीम ए को, बहुत देर से जीरो मिला आपको। टीम ए के लिए प्रश्न, सितारे, सितारे का संबंध दूरबीन से, सितारे, चांद सितारे, चांद तारे, इनका संबंध है दूरबीन से। तो आपको बताना है जो रक्त कोशिका यानी कि ब्लड को देखा जाता है, रक्त कोशिका का संबंध किससे है? मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं क्योंकि इसमें चार ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे चांद सितारे का संबंध दूरबीन से, रक्त कोशिका का संबंध किससे है? कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, रक्त लेंस। रक्त अलग है, लेंस अलग है। कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, रक्त लेंस, बताइए रक्त कोशिका को का संबंध किससे है? जिस तरह सितारों का संबंध दूरबीन से, उसी तरह रक्त कोशिका का संबंध किससे है? और आपका समय शुरू होता है अब। हाँ चलिए बताइए, चलिए, चांद सितारे का संबंध दूरबीन से, तो रक्त कोशिका का संबंध किससे है? चलिए हाथ उठाइए, हाँ बताइए, सूक्ष्मदर्शी, लॉक किया जाए। ऑप्शन थे कैमरा, लेंस, रक्त और सूक्ष्मदर्शी। तो सही जवाब है, लॉक किया गया सूक्ष्मदर्शी को, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। टीम बी के लिए प्रश्न, रावण का मामा जो हिरण बनकर गया था, हिरण बनकर गया था, सोने का हिरण बनके, रावण का मामा वो कौन था? टीम बी के लिए प्रश्न, रावण का मामा था और वो सीता जी को का हरण करने वाला था, तो उसने युक्ति रची कि तुम सोने का हिरण बनके जाओ, जिससे कि राम और लक्ष्मण उसके पीछे पीछे वन में जाएंगे दूर तक, और उसके बाद मैं सीता खड़ा करता हूँ। रावण के मामा का क्या नाम था? आपके पास भी लाइफ लाइन है, आप जाकर पूछ सकते हैं। चलिए बताइए, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, रावण के मामा का नाम, मरीच,
है, मरीच सुबह। तो हिरण बनकर कौन गया था? हाँ, प्रश्न था हमारा कि हिरण बनकर कौन गया। चलिए बताइए मरीच क्या है? मरीच लॉक किया जाए, मरीच को लॉक किया जाए, मामा मरीच। कंप्यूटर मास्टर ने आपके जवाब को जांचा परखा समझा और आपका जवाब बिल्कुल सही है। और इस तरह आज का ये गेम शो समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ जो जानकारी से भरे हुए होंगे, और प्रतिदिन यदि आप इन प्रश्नों से जुड़ते हैं तो निश्चित ही एक दिन आपके पास सामान